ग्वालियर में अब पुलिस थाने से रिवॉल्वर चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया है। आपको सुनकर यह आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आपने ठीक सुना है। यह मामला नगरीय निकाय चुनाव का है, जहां आचार संहिता के दौरान शहर के कारोबारी ने अपनी रिवॉल्वर थाने में जमा कराई थी। चुनाव के खत्म होते ही कारोबारी अपनी जमा कराई हुई रिवॉल्वर को लेने पहुंचा तो पुलिस ने कारोबारी से कहा कि उसकी रिवॉल्वर गायब हो गई है। जब कारोबारी ने इसके बारे में पूछा तो पुलिस उसे कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद कारोबारी ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को 24 घंटे के अंदर इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अब पुलिस को सर्दी में भी पसीना आ रहा है। ग्वालियर में थाने से रिवॉल्वर चोरी का मामला भोपाल पहुंचने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है कि जब थाने में ही चोरियां हो रही हैं तो फिर शहर कैसे सुरक्षित रहेगा। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी कार्यवाही करती है और इस पिस्टल को ढूंढ कर के मालिक तक पहुंचा पाती है या नहीं। बता दें कि यह मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के ज्योति नगर में रहने वाले कारोबारी नीलेश शर्मा की लाइसेंसी रिवॉल्वर का है। कारोबारी नीलेश शर्मा ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर नगर निगम चुनाव में लगी आचार संहिता के दौरान थाना थाटीपुर पुलिस को 8 जून को जमा कराई थी। जुलाई में चुनाव खत्म होने पर आचार संहिता हटी तो नीलेश अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेने के लिए थाने पहुंचा, लेकिन थाने के मालखाने से उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर गायब थी। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कारोबारी नीलेश ने अपनी पिस्टल वापस लेने के लिए थाने के कई चक्कर काटे। आखिर में पुलिस ने नीलेश से कह दिया कि उनकी रिवॉल्वर गायब हो गई है। परेशान कारोबारी नीलेश ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई। रिवॉल्वर चोरी होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होते ही भोपाल से लेकर ग्वालियर तक पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्वालियर पुलिस प्रशासन मामले की पड़ताल में जुट गया और कारोबारी नीलेश को बुलाकर उसके बयान दर्ज किए गए। कारोबारी नीलेश शर्मा का कहना है कि नगर निगम चुनाव के दौरान जून माह में उसने अपनी रिवॉल्वर थाटीपुर थाने में जमा कराई थी, लेकिन जब सारे हथियार चले गए तो वह अपनी रिवॉल्वर लेने थाने पहुंचा, जहां 5 पिस्टल थाने में जमा थी, लेकिन उनकी रिवॉल्वर मालखाने से गायब थी। पुलिस से पूछने पर उसे बताया गया कि वह उसकी रिवॉल्वर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले जब वह थाने दोबारा गया तो पुलिस वालों ने कहा कि उसकी रिवॉल्वर गायब हो गई है। मेरे काफ़ी चक्कर लगाने के बाद भी जब मुझे मेरी रिवॉल्वर नहीं दी गई तो मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की। थाने से रिवॉल्वर गायब होने के मामले में एएसपी राजेश दंडौतिया का कहना है कि एक कारोबारी ने नगर निगम चुनाव के दौरान अपनी रिवॉल्वर थाने में जमा कराई थी। चुनाव खत्म होने पर कारोबारी रिवॉल्वर लेने थाने पहुंचा था, लेकिन उसकी पिस्टल गायब थी। रिवॉल्वर को मालखाने में तलाश किया जा रहा है, जल्द नहीं मिली तो केस रजिस्टर्ड किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जब नगर निगम चुनाव हुए थे तो आचार संहिता लगी थी, तो मैंने थाटीपुर थाने में 8/6/2022 को रिवॉल्वर जमा की थी। फिर जब आचार संहिता हटी चुनाव के बाद तो मैं रिवॉल्वर लेने गया, तो उस टाइम पे बहुत सारी हथियार थे, तो मुझे कह रहे थे अभी दबी होगी, बहुत सारे हथियार हैं तो आप बाद में आ जाना। फिर मैं दोबारा गया तब भी कम यही बात बोली। ऐसे मैं 15 से 20 बार गया, फिर जब पूरे हथियार हट गए तो मैं 3-4 दिन पहले गया तो वहाँ सिर्फ 5 पिस्टलें बची थी, रिवॉल्वर कोई थी नहीं। उन्होंने भी पूरा सब जगह वो कह रहे हैं हमने ढूंढ लिया कहीं मिल नहीं रही। तब मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की थी। आज थाना प्रभारी थाटीपुर के द्वारा बताया गया है कि एक नगर निगम चुनाव के समय शस्त्र जब जमा हुए थे चुनाव के समय, तो उस समय अभी एक व्यक्ति फरियादी आया है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि उसकी रिवॉल्वर नहीं मिल रही है मालखाने में। अभी उसको फरियादी को बुलवाया गया है और मालखाने में उसको सर्च कराते हैं, अगर नहीं मिलता तो उसे बताने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।